हेलो दोस्तों, इंजीनियर अचल शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ हाई स्टडी पॉइंट में। देखिए, कल लास्ट में अपने पास जो क्विज़ थी उसका एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, फिक्स कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, फिक्स कैपेसिटर अपने पास दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो राइट ऑप्शन होगा इसका 4। ठीक है, आज की जो क्विज़ है अपने पास उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कैपेसिटर के हैं और जो कि डिफरेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने पास। किस कैपेसिटर पर सामान्यतः मान दर्शाने हेतु 3 अंक का उपयोग किया जाता है। देखिए, 3 अंक का मतलब जैसे आपके पास लिख दिया हो 104। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कैपेसिटर है, ठीक है, वो होता है अपने पास सेरेमिक कैपेसिटर। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंटुलम कैपेसिटर की रेंज होती है। देखिए, टेंटुलम कैपेसिटर जो होता है अपने पास, वो होता है अपने पास 47 नैनो फैराड से 470 माइक्रोफैराड तक बनता है। तो देखिएगा, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इस वाली जगह आप नैनो फैराड कर लीजिएगा, यानी कि 47 नैनो फैराड से इसकी रेंज होती है 470 माइक्रोफैराड तक बनाए जाते हैं। जो साइड में दिखाया गया है ये वाला, ये अपने पास टेंटुलम कैपेसिटर है, आप देख के भी पहचान सकते हो। ठीक है, टेंटुलम कैपेसिटर जो होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का प्रकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एल्युमिनियम कैपेसिटर की रेंज होती है। देखिए, पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पूछा गया था आपसे टेंटुलम कैपेसिटर, यहाँ पूछा एल्युमिनियम कैपेसिटर। एल्युमिनियम कैपेसिटर जो बनाए जाते हैं वो 1 माइक्रोफेरड से 47,000 माइक्रोफेरड तक बनाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने पास 3rd हो जाएगा। ठीक है, जो एल्युमिनियम कैपेसिटर है ये भी अपने पास प्रकार होता है किसका, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का। तो यहाँ आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, टेंटुलम कैपेसिटर और एल्युमिनियम कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, सेरेमिक कैपेसिटर की रेंज होती है। देखिए, यहाँ आपसे सेरेमिक कैपेसिटर की रेंज की जाती है, और जो सेरेमिक कैपेसिटर जो है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर का प्रकार होता है। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 1 पिको फैराड से 2 माइक्रो फैराड तक बनाया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल्म टाइप कैपेसिटर की रेंज होती है। देखिए, जो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया ये वाला, ये अपने पास जो है फिल्म टाइप कैपेसिटर है, और इसके जो अपने पास रेंज होती है वो होती है 5 पिको फैराड से 100 माइक्रो फैराड तक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने पास 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया कैपेसिटर कौन सा है। अब देखिए, जिस पर अपने पास, यानी कि जो डिस्क टाइप होता है अपने पास, और जिस पर अपने पास 3 अंक लिखे हों, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वो अपने पास सेरेमिक कैपेसिटर होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दिए गए कैपेसिटर का मान होगा। अब देखिएगा, यहाँ अपने पास ये बात कंफर्म होगी कि सेरेमिक कैपेसिटर पर अपने पास 3 अंक दर्शाए जाते हैं। तो पहली 2 डिजिट, जैसे यहाँ पर लिखा है 10 और 3, तो ये 2 डिजिट तो अपने पास इसका मान बताती हैं, ये 10 हो गया। ठीक है, और ये बाकी जो डिजिट है ये अपने पास 0 की संख्या बताती है। ठीक है, तो यहाँ 3 0 आ जाएंगे। बाकी जो अपने पास सेरेमिक कैपेसिटर की वैल्यू होती है वो पीको फैराड में ली जाती है। किस में ली जाती है, पीको फैराड में। अब ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अपने पास तो ये 3 0 हट जाएंगे, ये 10 नैनो फैराड हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास क्या, 2nd। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी कैपेसिटर पर 104 लिखा हो तो इसका मान होगा। ठीक है, देखिए, अभी मैंने आपको 103 वाला समझाया था, 104 वाला कैपेसिटर पूछ रहा हूँ मैं आपसे, तो आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा कितना आएगा। तो देखिए, फर्स्ट 2 डिजिट तो अपने पास क्या बताएंगे, इसकी वैल्यू बताएंगे। ठीक है, कन्फर्म है अपने पास, तो 10 अपने पास 0 कितना आ जाएंगे, 4, ये 4 आ गया। ठीक है, तो टोटल 0 कितना हो गया अपने पास, 5 हो गए। ठीक है, और पीको फैराड का मतलब होता है 10^-12। ठीक है, अगर मैं 10 अपने पास यहाँ लगा दूँ और एक यहाँ डिवाइड कर दूँ तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, 0.1 माइक्रोफैराड में। तो वैल्यू हो जाएगी अपने पास 0.1 माइक्रोफैराड। तो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोलराइज कैपेसिटर होता है। ठीक है, देखिए, पोलराइज कैपेसिटर अपने पास क्या होता है, टेंटुलम कैपेसिटर, एल्युमिनियम कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो होते हैं वो पोलराइज कैपेसिटर होते हैं, और ये दोनों इसी के प्रकार हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, उपरोक्त सभी।
ये आज का अपने पास क्वेश्चन ऑफ द क्विज क्वेश्चन है, माइका सेरेमिक कैपेसिटर किस प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, आप अपने पास कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, इसका सोल्यूशन मैं आपको कल दूंगा। ओके थैंक यू, जितना ज़्यादा हो सके अपने पास, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने पास एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि मैं आपको समय समय पर और भी अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। ओके थैंक यू।